बारिश की सीजन हो या फिर विंटर, ठंड की मौसम शुरू होते ही सभी के घर में कई तरह के पकोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी बारिश की मौसम शुरू हो गई है तो बारिश में तो सभी के पहली बारिश में सभी के घर में पकोड़े बनते ही बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम क्रिस्पी, करारे और बहुत ही टेस्टी, खट्टे और स्पाइसी मिर्ची भाजी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और झटपट है। 10 से 15 मिनट में आप ये पकौड़े बना के तैयार कर सकते हो। तो सभी के घर में वैसे बनाने का तरीका अलग होता है, तो आज मैं एकदम सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोटी वाली जो ग्रीन चिली आती है वो 250 ग्राम जितनी ली है, तो ये स्पाइसी नहीं होती है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके मिर्च वड़े जो बनाते हैं वो, तो आपको ध्यान रखना है लेते टाइम पे कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ऐसी बिना स्पाइसी वाली जो मिर्च आती है वही आपको इस भाजी में यूज़ करना है। और आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मोटी वाली जो ग्रीन चिली आती है वो ले ली है, उसको वॉश करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो मैं दो तरह के मिर्च बड़े यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये एक रिंग वाले और एक पट्टी वाले बना रही हूँ। तो रिंग वाले के लिए हम इस तरह से मीडियम साइज़ की यहाँ पे रिंग हम इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें ज़्यादा पतला भी नहीं इसको काटना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इसे बीच वाला हम इसको काटेंगे। अब पट्टी बनाने के लिए अब क्या करेंगे, मिर्च को बीच में से इस तरह से कट करके, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन आप इसको इस तरह से बीच में से काट के 2 पार्ट में भी इसको काट के यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से 250 ग्राम मिर्च को हम दोनों तरह से बना रहे हैं, तो दोनों को आधा आधा करके इस तरह से काट के इसको तैयार कर लेंगे। और आप ज़्यादा तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके बीज हटा के भी इसको यूज़ कर सकते हो, और हो सके तो बिना ज़्यादा स्पाइसी आती है वही यूज़ करना, तो इससे खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को काट के इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि दोनों मिर्च की साइज़ मैंने अलग अलग दोनों ही काट के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोनों ही मैं साथ में ही बना रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। तो ध्यान रहे इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं क्या यूज़ नहीं करना है। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे बड़ा एक टुकड़ा ले लिया है अदरक का, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस मिर्च भाजी में, तो ज़रूर से डालना, स्किप बिल्कुल भी मत करना अदरक को। तो अदरक को हमने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, खटास के लिए हम यहाँ पे 2 लेमन का जूस डाल रहे हैं। तो छोटे थे तो मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, बड़ा है तो आप एक भी डाल सकते हो, और ज़्यादा खट्टा है तो आप 3 भी इसमें डाल सकते हो। बहुत ही खट्टा तीखा इसका स्पाइसी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे, लेमन का जूस डाल के अच्छे से एक बार इसी तरह से मिर्च को सिर्फ हम इसको मिक्स कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा स्पाइसी है तो आप ये नमक, और सिर्फ पहले नमक डाल के इसको थोड़ी देर इस तरह से छोड़ सकते हो, ताकि इसमें जो पानी निकलेगा वो आप निकाल के फिर इसमें लेमन जूस और मसाले डाल के आप बना सकते हो, तो इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, इसमें आधा कप जितना या 7-8 टेबल स्पून जितना हम इसमें बेसन डालेंगे। तो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि मिर्च को हम अच्छे से इसमें कोट करना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, वरना क्या होगा कि रिंग हमारी पतली है तो टूटती जाएगी, इसलिए हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी स्प्रिंकल करेंगे ताकि बेसन अच्छे से मिर्च में कोट हो जाए और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इससे। तो अब क्या करेंगे, 2-3 बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें स्प्रिंकल करेंगे, और ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा इसमें बेसन वापस से डाल के कोट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अच्छे इसमें कोटिंग आ गई है मिर्च में, इस तरह से हमें इसमें कोटिंग करनी है। तो
पट्टी में भी इस तरह से कोट करेंगे और रिंग में भी इसी तरह से कोट कर लेंगे। तो इसको अलग अलग कर देंगे, इस तरह से सेपरेट कर देना है रिंग को और पट्टी को, आप देख सकते हो। तो हमें फ्राई करने में आसानी रहेगी। तो अब क्या करेंगे, मिर्च हमारी रेडी हो गई है। अब फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा गरम हो जाए फिर हम सबसे पहले पट्टी फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से पट्टी सेपरेट करते जाएंगे पहले और ऑयल में डालते जाएंगे। एक साथ में ही आप डालोगे तो वो चिपचिपी रहेगी, एकदम खिली सेपरेट नहीं होगी, इसीलिए इसको अलग अलग करके ही डालना है, एक साथ में ऐसे ही नहीं डाल देना है। अब क्या करेंगे, उलट पुलट करके अच्छे से इसको क्रिस्प होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो आपको कितना क्रिस्पी खाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे फ्राई कर सकते हो। आपको कम क्रिस्पी खाना है तो आपको इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा क्रिस्प खाना है तो अच्छे से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो पट्टी हमने फ्राई कर ली है, अब क्या करेंगे, रिंग को भी इसी तरह से एक एक पीसेस का सेपरेट करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो इसको भी हम एक बार में जितना आएगा उतना हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे क्रिस्पी भी होंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इस तरह से मिर्च का भजिया आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी उलट पुलट करके अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप इसको ऐसे ही खा सकती हो या फिर आप कोई भी गेस्ट आए तो आप साइड डिश की तरह भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे मिर्च के भजिया फ्राई कर लेंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो एकदम क्रिस्पी करारे हमारे मिर्च के भजे बनके रेडी हो गए हैं। आप इसको दही के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ या केचप के साथ बना के एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।